इंटरफेसेस वर्सेस क्लासेस, देखेंगे दोनों के बीच में डिफरेंट क्या है इंटरफेसेस और क्लास के। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इंटरफेसेस और अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। इंटरफेसेस को अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब जो मेथड डिफाइंड होकर नहीं रहते उसे अब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलते हैं। इंटरफेस के अंदर अब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं इसलिए अब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलते हैं इसको। ये क्या है, इसके अंदर पूरे डिफाइंड हुए मेथड रहते हैं क्लास के अंदर। ये क्लासेस कैन कंटेन मेथड डेफिनेशन वेयर एज इंटरफेस कैन कंटेन ओनली मेथड डिक्लेरेशन बट नो डेफिनेशन। क्लास के अंदर मेथड के डेफिनेशन होंगे, डिफाइंड होकर रहेंगे, इसके अंदर सिर्फ डिक्लेयर होकर रहेंगे, डिक्लेयर खाली डिक्लेरेशन उसका कोड नहीं रहेगा। इंटरफेस कैन कंटेन ओनली कॉन्स्टेंट वेरिएबल वेयर एज ए क्लास कंटेन एनी काइंड ऑफ वेरिएबल। इसका एग्जाम्पल जब बोलना है तो इसके अंदर आप वेरिएबल रखोगे तो ये वेरिएबल बाय डिफॉल्ट इसको डिक्लेयर करते होते वैल्यू देना पड़ेगा, उसका वैल्यू भी ना चेंज कर सकते हैं ना उसे दूसरा वैल्यू दे सकते हैं। तो ये बिहेव करेगा कांस्टेंट जैसा बिहेव करेगा ये, वो अपने आप का। इसमें भी क्या है, वेरिएबल रखेंगे उसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं, बट उसके सामने फाइनल लिखेंगे तो वो भी कांस्टेंट हो सकता है। इसका मतलब इसके अंदर कोई भी वेरिएबल हो सकता है, जो वेरिएबल चेंज हो सकता है उसका वैल्यू, या उसका भी एक कांस्टेंट जैसा बिहेव कर फाइनल लगा देंगे तो वहां भी कांस्टेंट बनता है। इसका मतलब वहां दोनों तरह के वेरिएबल रहते हैं, यहां एक ही तरह का वेरिएबल रहता है। ये क्लास कैन एक्सटेंड ओनली अ सिंगल क्लास बट इट कैन इंप्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेस। तो इसका यह मतलब हुआ कि अभी यहां ये क्लास को देखिए, ये इंटरफेस है समझो, हाँ और एक इंटरफेस है, इंटरफेस को तो खुद यूज नहीं कर सकते, वो इसको लेके जाए कोई ना कोई क्लास में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो एक क्लास के अंदर दो इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट एक क्लास ही क्लास जब एक ही क्लास एक क्लास में एक्सटेंड हो सकता है, एक क्लास एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकता है। अब समझो, हाँ देखिए, हम एक क्लास लिख रहे हैं, क्लास का नाम रखा मैं ABC। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक्सटेंड लिखे और ये टेस्ट को मैं एक्सटेंड कर ले रहा हूँ टेस्ट। अब ऐसा लिखने से क्या होता है कि वो क्लास के पूरे मेंबर्स, ये क्लास के पूरे मेंबर इसके अंदर कॉपी हो जाएंगे। तो आप और एक क्लास को इसमें एक्सटेंड करना चाहेंगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये क्लास एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकता है, पर इंटरफेस की ऐसी बात नहीं है। ये इंटरफेस को यहाँ ये एक्सटेंड नहीं होता है, इम्प्लीमेंट होता है। भले अब इम्प्लीमेंट्स एक है बेस और एक इंटरफेस है, तो उसका भी नाम यहाँ लिख के आप दो तीन इंटरफेस को भी इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यही वो पॉइंट में बोला जा रहा था कि एक क्लास एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकता है, मगर एक से ज़्यादा इंटरफेस एक ही क्लास में इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। बोथ क्लासेस एंड इंटरफेसेस प्रोवाइड ए वे फॉर इनकैप्सुलेशन। ये इंटरफेस भी क्या करता है, पैक करता है, क्लास भी क्या करता है, पैक करता है, इसी को इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। ये भी क्या है, वेरिएबल फंक्शंस को पैक करता है, ये भी फंक्शंस को वेरिएबल को पैक करता है। बोथ क्लासेस एंड इंटरफेस प्रोवाइड वे ऑफ इनकैप्सुलेशन। ओके, द इंटरफेस मेथड दट आर इंप्लीमेंटेड मस्ट बी पब्लिक वेयर द क्लास मेथड नीड नॉट बी। देखिए, ये सिर्फ ये मेथड है ना, ये डिक्लेयर हुए हैं, यहाँ तो डिफाइंड नहीं है, यहाँ तो आप हम पब्लिक नहीं लिखे हैं, बाई डिफॉल्ट ये पब्लिक होते हैं, मगर इसमें मेथड पब्लिक भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं, कोई भी तरह के मेथड हो सकते हैं, बट ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं। जब ये कोई क्लास में जब इंप्लीमेंट होता है, ये मेथड उसके अंदर डिफाइंड किया जाता है, जब उस वक्त है ना इसे पब्लिक लगा के डिफाइंड करना पड़ता है कि हाँ पब्लिक नहीं होने के बाद भी ये पब्लिक ही होते हैं। ये है क्लास का और इसका डिफरेंट। देखिए, एक बार नोट्स बता देता हूँ आपको मैं, आप चाहेंगे तो नोट्स मिल जाएगा आपको।